आज बनाएंगे बहुत ज़्यादा चॉकलेटी ब्राउनी शेक। आप मुझे कमेंट में बताओ, आपने कभी ब्राउनी शेक ट्राई किया या नहीं? अगर नहीं किया तो मस्ट ट्राई दिस। तो मैंने ना एक जार लिया है, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और एक ब्राउनी और आइसक्रीम। बस चीनी डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इतना स्वीट होता है तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस इसे करा ब्लेंड। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक गिलास, वही सेम गिलास था दूध वाला, उसमें वाला क्या बोलते हैं जो शेक था वो डाल दिया। उसके बाद मैंने इसके ऊपर आइसक्रीम रखी और एक ना मुझे ब्राउनी का पीस इसके मिडल में रखना था, पर ये ग्लास थोड़ा बड़ा था तो वो मिडल में नहीं आ पाया, वो अंदर की साइड ढलने लगा। मैं ट्राई करती थी मिडल में, अगर बीच में रखी तो बिल्कुल अंदर जा रहा था, तो फिर मैंने साइड में ऐसे करके प्लेस किया है इस टाइप से, और ये अंदर हल्का हल्के 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 आधा आधा अंदर जाता रहा। खैर कोई नहीं, उसके बाद मैंने इस पर थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए, ये वाले हाँ वो स्टार्स वाले, आई लव दिस स्प्रिंकल, बड़ी क्यूट है यार ये स्टार्स वाले। और बस ये रेडी है, बहुत मस्त लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना, यू विल लव दिस शेक। बहुत चॉकलेटी और बहुत मज़ेदार होता है, मतलब बिल्कुल कैफे स्टाइल वाला होता है ना, वही सेम टेस्ट था। मस्ट ट्राई इट। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ये वीडियो उसको शेयर करना जिसको चॉकलेट हद से ज़्यादा पसंद है, उससे बोलो ले चॉकलेट कम खा, चॉकलेट शेक ब्राउनी शेक बना के खा, चॉकलेट ब्राउनी शेक बनाकर पी मतलब। ओके जी, चलो ओके बाय।